एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट का बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता है। इनको टॉयलेट जाना हो, 10 कदम चलना हो या कपड़े चेंज करने हो, हर चीज़ के लिए इनको किसी न किसी की मदद चाहिए। और ये यंग पेशेंट मजबूर हो जाते हैं वॉकर या स्टिक्स के साथ चलने के लिए। लेफ्ट साइड में वेट डालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए अब उनको वॉकर लेना पड़ा है। उसके बिना चलने में बहुत मुश्किल है। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ टो टच कर रहे हैं, पूरा एडी नहीं रख पा रहे। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कितनी डिसेबलिंग हो सकती है इन यंग पेशेंट्स के लिए, ये देखिए, स्टेप लेने में भी उनको सोचना पड़ता है। इन यंग पेशेंट्स की जो लाइफ है बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाती है बिकॉज ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। रुस्तम को जब हमने बिना वॉकर चलाने की कोशिश की तो उन्होंने अपना हाथ घुटने पर रखा ताकि अपर बॉडी का वेट वो डायरेक्ट घुटने के थ्रू पैर में ट्रांसफ़र कर सकें और हिप को बाईपास कर सकें। इससे हिप पर जोर नहीं पड़ता और उनको दर्द कम होता है। लेकिन इसके बावजूद वो मुश्किल से 1 कदम चल पाए और उनको फिर से वॉकर लेना पड़ा। तो पिछले 10 महीने से वो इंडिपेंडेंट वॉकिंग लगभग भूल चुके हैं और सिर्फ वॉकर से चलते हैं। सीढ़ी चढ़ने जैसा एक सिंपल एक्टिविटी जो हम दिन में बहुत बार करते रहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। वो रेलिंग का सपोर्ट लेते हैं और साथ में एक दूसरे इंसान के कंधे पर हाथ रखते हैं, तब जाकर वो 2-4 सीढ़ी चढ़ पाते हैं। और जब इनको सीढ़ी उतरना पड़ता है तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उनको जैसे एक नॉर्मल इंसान सामने फेस करके उतरता है, वो उल्टा उतरते हैं, दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ते हैं और उल्टी डायरेक्शन में उतरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ कितनी मुश्किल हो चुकी हैं। और ये पिछले लगभग 10 से 12 महीने से ऐसे ही चल रहा है। रुस्तम, इनकी उम्र है 38 साल और ये गया बिहार से हमारे पास आए हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है जिसके बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन एक जो खास चीज जो मेरे को मिलते ही रुस्तम से लगी कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं वो आमतौर पर परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं और मेंटली काफी अपसेट होते हैं, लेकिन रुस्तम काफी पॉजिटिव है। ही स्टिल स्माइलिंग, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी वो मतलब उनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव लग रहा है मुझे। तो ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे फेवर में। दोस्तों कितने साल पहले दिक्कत आई थी आपको? 2003 में स्टार्ट हुआ था हमको, मतलब 18 साल से। सबसे पहले क्या हुआ? जैसे छत पे सो रहे हैं,
सुबह उठ गया तो उठने में दिक्कत हमको होने लगा, शाम टाइप पे किसी तरह से उठे, फिर थोड़ा चले 10-15 मिनट चले तो रिलैक्स हो गया। कहाँ लगी स्टिफनेस, कमर में या ये कमर? ओके, फिर दवा को इधर दिखाए तो दर्द का दवा इंजेक्शन वगैरह दिया तो उससे थोड़ा सा रिलीफ हो फील आ गया। ऐसे करते करते फिर 2-4 साल निकला, उसके बाद फिर ऊपर स्टार्ट कर दिया स्पाइन पीछे से, गर्दन में दर्द हो गया समझे। और ये डाउना जो है ना, ये फूल गया था, ये फूल गया, ये फूल गया जी जी, हाँ भी दर्द चढ़ा हो गया था। ओके, तो उसे फिर फूल ठीक हो गया, मैं तो बनाए तो उसके बाद ये सब ये दर्द खत्म हो गया, वो गर्दन पे भी दर्द खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा जाम टाइप में लगता है। ठीक है, कभी कभी हल्का दर्द हो जाता है गर्दन में। ये कूल्हे वाली दिक्कत कब से शुरू? कूल्हा वाला तो ये ज्यादा दिन से, पहले तो कमर में स्टार्ट था हमको, ये जब इधर खत्म हुआ ना इधर तब इधर आ गया। पहले तो हल्का फुल्का चलते थे तो सुना टाइप हो रहा था। अच्छा, मैंने ऊपर दर्द होने से पहले, ठीक है, ज्यादा दूर चले तो फिर थोड़ा रुकना पड़ता था हमको या बैठना पड़ता था, उसके बाद फिर चलते थे। उसमें चल रहा था दवा टाप किए, पटना में भी किए, गया में भी किए जी जी, और आसनसोल में भी किए, पकड़ नहीं आया बीमारी। तो कब पता चला आपको कि ये एंकरोजिंग? हमको 2012 में पता चला था, हम चेन्नई गए थे। अच्छा, टेस्ट कराया आपने? हाँ, वहाँ अपना क्लियर पता नहीं हो सका, लेकिन पेपर लिखा था एंकोलॉजी, उसमें लेटर लिख दिया था। तो आपको इसका जो इलाज है, जो दवाई होती है एंकरोजिंग की, ये शुरू किया लेते रहे आप? उस टाइम नहीं लेते थे, फिर हल्का फुल्का दर्द होता था बस चल रहा था, इसी परमानेंट दर्द नहीं रहता था। अच्छा, तो ज्यादा तकलीफ कब से? ये साल भर ठंडा का मौसम। प्रिपरेशन का फैसला कब किया? बस वहां से आने के बाद मणिपुर में था इसको ओके। तो ये रही जर्नी रुस्तम की, इतने सालों से 18 साल से तकलीफ में है और अब डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो प्रैक्टिकली डेली एक्टिविटीज़ में भी परेशानी है। तो टॉयलेट वगैरह जाने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में, बेसिक चीज़ में, इवन मैंने देखा है बिस्तर पर लेटने में और बिस्तर से उतरने में भी दिक्कत हो रही है। अभी देखिए जैसे हम ड्राइविंग करते हैं समझ रहे हैं? अच्छा, अभी भी हम गाड़ी चला लें, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस चढ़ने उतरने में चलने में दिक्कत है, सीट पर बैठने के बाद लंबा 100 किलोमीटर लगता है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। काफी हिम्मत वाले इंसान लग रहे हैं और इतना तकलीफ के बावजूद भी काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस पॉजिटिविटी से हमारे पास आए हैं, हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी इनके साथ और हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये नॉर्मल होकर हमारे पास से जाएं। इनके लेफ्ट हिप में ज्यादा दिक्कत है तो हम पहले लेफ्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं MIS टेक्निक से, सिरेमिक नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट के साथ। डिसेबिलिटी आज कैसी है और इनका डे बाय डे जो रिकवरी होगी हम आपसे डेली शेयर करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि रुस्तम की रिकवरी कैसे चल रही है। थैंक यू।